सुबह की गुड मॉर्निंग में आपका स्वागत है मेरे बंगले की मॉर्निंग। देखिए सुंदर से फूलों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज बिल्कुल भी धूप नहीं है। आसमान इस तरह से है, धूप बिल्कुल खिली नहीं है और प्यारा सा मौसम है, अच्छा सा मौसम है। और मेरी चाय हो चुकी है, आप लोग ने चाय पी के नहीं बताइएगा मुझे। मोटर में मतलब पानी पीछे की टंकी में आया नहीं था, थोड़ा ही आया है। आजकल पानी बहुत कम आता है, पता नहीं क्यों, तो पानी कम है फिर भी अभी मोटर चालू कर दूंगी। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और कुछ एक मेरे प्लांट्स के अपडेट मॉर्निंग में दे देती हूँ आपको। रोज़ गाड़ी में दोनों टाइम स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि फिर नहीं तो बैटरी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ से वो सांप का बच्चा आया था, तो मैंने इस तरह से उसको पैक कर दिया है। ये बाजू के बंगले वाले के उसमें से आ गया था। और ये हल्दी का प्लांट और बैंगन का प्लांट, देखिए फ्लावर्स आए हैं। सोचा कल मैंने वीडियो में ज़्यादा दिखाया नहीं था, तो आज के वीडियो में आपको मेरे प्लांट्स दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये फल फूल रहे हैं। जी हाँ, और टमाटर के प्लांट्स को मुझे अभी उगाना पड़ेगा। पालक भी हो गई है मेरी अच्छे से, टमाटर के प्लांट्स भी हो गए हैं तो अब उसे अच्छे से लगा देंगे। ये ककड़ी लगाई थी तो ककड़ी भी उग गई है। ये वाला पोर्शन ना मुझे यहाँ पे क्लीन करना है, तुलसी को मुझे सेपरेट ही अलग ही रखना है, यहाँ पे क्लीन करना है। बहुत अच्छा, अच्छे से। तो चलिए अब चलते हैं घर में। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जयसवाल। और काय कसा काय, बरा है ना, कैसे हो आप सब? और घर पे रहते हैं ना तो ऐसे आदि मानव जैसी हालत हो जाती है ना। ना मेकअप ना कुछ नहीं, हालत खराब हो जाती है। तो सुबह से शुरुआत हो गई है काम की, तो बहुत सारा काम कर लिया है मैंने। तो चलिए आप लोग देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है सुबह से। तब तक मैं अपने नेल पेंट लगा लेती हूँ। अभी थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल साफ कर रही थी तो मुझे ये दो नेल पेंट मिली है, जो के है अतिथि की। देखिए इसका कलर बहुत अच्छा है और ये वाली भी बहुत अच्छी है। तो ये दो नेल पेंट मुझे मिली है, मुझे लगा जम तो नहीं गई है, अच्छी है, वर्किंग है। तो ये दो नेल पेंट मुझे मिली है, कौन सी लगाऊं आप लोग बताइए मुझे, ये लगाऊं ये लगाऊं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये वाली लगाऊंगी, उसके ऊपर ये लगा लूंगी। तो चलिए मैं नेल पेंट लगाती हूँ, तब तक आप लोग मेरे किचन में चलिए और देखिए मैंने सुबह से क्या क्या किया है। तो गाइस आज मेरे यहाँ बनेगा बैंगन का भरता। इसे दो पीस करके देख लेते हैं। गैस मैंने साफ किया ना तो ये आधा ही गैस चल रहा है। इसको कट मार के देख लेती हूँ, अंदर तो कुछ खराबी तो है नहीं। और साथ में मैं टमाटर भी इसके साथ ही कर लूंगी। मैंने लिया है दो चिली, तो धीरे धीरे सिक जाएगा स्लो गैस पे। और मुझे बताइए गाइस आपके यहाँ कौन कौन है बैंगन लवर? मैं तो बहुत बैंगन लवर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साइड पे टमाटर भी करने को रख देते हैं, ये वाले टमाटर को भी कर लेते हैं। ताकि इसमें सा जरा अच्छा वाला आ जाए, स्मोक फ्लेवर आ जाए अच्छा वाला। और गाइस आपको बताऊं, भरता बनाते वक्त ना गैस की तो हालत खराब हो जाती है।
मैंने गैस को पहले बहुत अच्छे से साफ किया है, और ये चिली को भी थोड़ा थोड़ा हम स्मोक फ्लेवर लेने के लिए इसको ऐसा कर लेंगे। तो आज मैं बनाऊंगी चोखा, बैंगन का चोखा। और क्या बनाने वाली हूँ पता है? और मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी। जी हाँ, बाटी बनाने वाली हूँ, सिंपल सी, पर वो थोड़ा सा अलग स्टाइल से। तो चलिए बैंगन पहले भूज लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो प्री कुकिंग वाला पार्ट मेरा रेडी है, ये मैंने भूज के रख दिया है। और इसमें मैंने आलू नहीं लिया है, उसका स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। मेरे गैस की हालत देखिए कैसी है, इसके साथ मुझे आलू नहीं अच्छा लगता है। मम्मी क्या मेरे ऐसे ही बनता था, तो मैंने ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो मैं भूल ही गई थी, तो इसके बगैर तो, ऑनियन के बगैर तो क्या मज़ा है। इसको मैंने चार चीरे लगा दिए हैं, और इसे एकदम स्मोकी फ्लेवर आने तक सेक लूंगी पूरी तरह से। बाटी के लिए आटा सानने जा रही हूँ, और मम्मी बोलती है आटा हमेशा छान के लेने का, कभी भी छलनी से छान के। आपने छान के रखा है फिर भी आप डबल छान लो, आटा हमेशा छान के लेने का। तो मम्मी की ये बात को गांठ बांधते हुए आटा छान लेती हूँ। और इसमें पड़ेगा नमक और ढेर सारा घी, और बस उसको गाढ़ा सा आटा बांध देंगे, मतलब कड़क, थोड़ा कड़क आटा बांध देंगे ताकि बाटी अच्छे से खुसखुसी बने। तो गाइस, इसमें नमक डाल दिया है मैंने, ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैं अभी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूंगी ताकि थोड़ी बाटी अच्छे से फूल जाए। मैं भी ट्राई कर रही हूँ गाइस नया स्टाइल, जो चीज घर में है उसमें से ही ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए इसको पहले सान लेती हूँ। तो इतना कड़क आटा मैंने सान लिया है, और खाने की पूरी प्लानिंग रेडी हो चुकी है गाइस। तो पहले जाती हूँ बाहर आंगन में, झाड़ में पानी डाल के आती हूँ, और फिर खाना बनाऊंगी। इसको पानी रख देती हूँ। क्या मैं रोज रखती हूँ, लेकिन बर्ड्स लोग को पता चलता है कि नहीं? पता नहीं कि ये पानी पीने के लिए है। बैंगन के झाड़ में अच्छे से फ्लावर्स आए हैं, और ये है मेरा हल्दी का प्लांट, इसमें भर दिया है मैंने पानी, शायद इसमें पी ले वो मटका समझ के। तो चलिए इसको रख देते हैं। कहाँ पे रखूँ, थोड़ा साइड जगह पे देख के रखती हूँ। शायद यहाँ आके वर्ड्स पानी पी ले। चलिए इसको छील लेते हैं, पहले सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं।
बैंगन को इसीलिए तो सब्जियों का राजा कहा जाता है। पूरा छिलका ना भी निकालो ना तो अच्छा लगता है गाइस, ताकि इसमें ना मतलब स्मोकी फ्लेवर आने के लिए थोड़ा सा छिलका रह भी जाए तो अच्छा लगता है। इसी तरह से टमाटर को भी छील लेते हैं। इजीली छिलका निकल जाता है गाइस इसका। गाइस आपने देखा क्या क्या किया है किचन में, अभी और मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में। तब तक चलिए मिलके ना नेल पेंट लगा लेते हैं। अभी तक मैंने नेल पेंट नहीं लगाई है, आपकी वेट कर रही थी कि आप लोग किचन में से आ जाओ, मेरे किचन में से मुझे देख के आ जाओ और फिर मिलके लगाते हैं नेल पेंट। तो चलिए पहले नेल पेंट लगाते हैं, फिर साथ में फिर से चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी तो खाना बनाने का बाकी है। आगे का खाना तो बाकी है, अभी तो मुझे बाटी बनाना है, चोखा बनाना है। तो चलिए आज मैंने ऐसे ही ये वाला ड्रेस पहन लिया, थोड़ा सा चेंजेस, क्योंकि घर पे रह के तो मुझे ब्लीच करना है, मुझे अपर लिप्स करनी है, सब कुछ बाकी है और हेयर कलर भी करना है, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं जाऊंगी बाहर मेडिकल स्टोर और हेयर कलर लेके आऊंगी, उसके बाद करूंगी। तो पहले नेल पेंट लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सुबह से ना गाइस इतना सारा काम कर करके ना ऐसी थक गई हूँ कि ना पूछो बात। और पाँव में ना विदाउट नेल पेंट मुझे पैर अपने अच्छे नहीं लगते हैं। अभी तो टेम्पररी लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने लगा ली नेल पेंट। तो चढ़ जा बेटा सूली पे, काम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बना लेंगे बाटी। फैन मैंने अभी चालू किया है, 5 मिनट में बंद करती हूँ। तो सबसे पहले एक साइड पे बाटी चढ़ा लेंगे। और बाटी के लिए ना मैं आज थोड़ा बाटी मैं इसमें बनाऊंगी, अपने अप्पा मेकर में ये इसमें सारी बाटियां रख दूंगी, देखते हैं कैसी बनती है। ये अच्छे से नॉनस्टिक है, चिपकेगा भी नहीं, तो थोड़ी बाटियां इसमें बना के रख देती हूँ। तो कभी गाइस आपने इसमें ट्राई की है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और आप ही के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसी बनती है, फिर मिलके साथ में बनाएंगे दूसरी बार। ओके, देखिए मैंने रेडी कर लिया है ढेंटडेन। तो चलिए गैस चालू करते हैं और इसको रख देते हैं गैस पे 5 मिनट्स के लिए। फास्ट गैस पे रखेंगे, उसके बाद स्लो गैस कर देंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाए ना तब तक फास्ट गैस पे रखेंगे, उसके बाद स्लो गैस कर देंगे। पार्टी तो हो रही है, तब तक हम चोखा का तैयारी कर लेते हैं, इसको बघार देते हैं अच्छे से फटाफट, तो दोनों बाजू हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस घर पे रहती हूँ ना तो मैं एकदम से पतली हो जाती हूँ काम कर करके, और मुंह का हालत तो देखो बहुत ही खराब हुआ है, इसको रिपेयर करना ही पड़ेगा।
वाह, देखिए ये तो बहुत अच्छे से हो रही है। और बहुत फास्ट। मैं क्या करूंगी पता है गाइस, थोड़ी देर के लिए ना गैस को बंद भी कर दूंगी तो ये इसके हीट से ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाए। तो अच्छे से हो रहा है, वाओ। गाइस मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रही थी, करने वाली थी ना, तो क्या हुआ था, मेरी सासू माँ थी ना, तो जब मेरी शादी होके मैं गई ना, तो मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला, फर्स्ट टाइम अंदर से किचन में बोला कि बैंगन का भरता बना दो। तो जब जैसे मेरी मम्मी के यहाँ बनता था मैं तो वैसे ही बनाऊंगी ना, मेरी मम्मी के यहाँ कभी भी आलू आलू डाल के नहीं बना है, सिर्फ बैंगन और टमाटर से ही भरता बनाते थे। इनफैक्ट मेरी मम्मी तो टमाटर भी नहीं डालती थी, ऑनियन और इससे ही भरता बनता था। तो मैंने उसी तरह से बनाया और सासू माँ का मुंह देखने जैसा हो गया था, मतलब उन्होंने उस तरह से कभी खाया ही नहीं था ना। तो उसके बाद जब मैंने बोला आप लोग के यहाँ कैसे बनाते हैं मुझे बताइए, तो फिर उन्होंने अपना रेसिपी मेरे साथ एक दिन शेयर किया। हाँ मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे मेरा भी मम्मी स्टाइल वाला भी जैसे अभी मैं बना रही हूँ वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे जोक होता था मेरे साथ शादी के बाद। हर एक के घर का सिस्टम ना गाइस अलग रहता है, तो हर एक के घर में अपने अपने तरीके से खाना बनता है। और जब लड़की शादी करके जाती है दूसरे के घर तो उसकी तो बैंड बज जाती है, क्योंकि उन लोग के घर में अलग स्टाइल से खाना बनता रहता है, हमारे घर की स्टाइल अलग रहती है। तो ये बाटी का तो बहुत अच्छा काम हो गया मेरा। सच में गाइस बहुत अच्छे से बाटी बन रही है, देखिए है ना। तो यही होता है, पता नहीं अतिथि की शादी कब होगी, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। और वैसे अतिथि बहुत एक्सपर्ट है, सब कुछ कर लेगी मैनेज। और मेरी तरह नहीं करेगी कि बिना पूछे अपने तरीके से बना लेगी, वो सब कुछ पहले अपनी सासू माँ से पूछेगी कि कैसे करूँ, उसके बाद ही वो बनाएगी खाना। जी आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट रहते हैं, पर पहले तो क्या होता था, सासू माँ से डर भी लगता था ना, इसलिए हम कुछ पूछते नहीं थे, हमें जैसा आता है वैसा कर लेते थे। अभी के बच्चे तो बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, अभी तो उनको क्या है बिंदास हो गए हैं। तो चलिए बातें करते करते मैंने इसको भी मैश कर लिया है, पहले इसको बघार लेती हूँ। तो मेरी बाटी एकदम रेडी हो गई और फटाफट एकदम इतने जल्दी रेडी हुई है ना कि ना पूछो बात। अब इसका गैस मैंने बंद कर दिया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी ताकि अंदर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इसमें अभी सिर्फ घी में डुबोना बाकी है इसको। सब्जी में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, बस इसे अब भूजना बाकी है। तो गाइस धनिया वनिया डाल दिया है और मेरा बाटी और चोखा रेडी है, तो बस अब खाएंगे। तो गाइस मेरा खाना रेडी है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।